हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि मैक्सिमम जो हमारे यूजर्स होते हैं या हम आज की डेट में जो है जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाते हैं, राइट? तो वर्डप्रेस पे हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है जब हम किसी एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे शिफ्ट करते हैं या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं, तो वहां पर हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि हमें जो है कैसे पता चलेगा कि हमने जो है पूरा बैकअप प्रॉपरली लिया है कि नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं ये खटखट जो हमारे दिल के अंदर रह जाती है कि अब मैं दोबारा नए जगह पे जब अपलोड करूंगा तो क्या वहां पे ये बैकअप जो है रीस्टोर होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लेगा, जो चीजें मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी हैं वो सारी एज इट इज दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। तो इस तरह का कई सारे जो है हमारे मन के अंदर जो है बातें चलती रहती हैं। सो आज जो है मैं आप लोगों को कोई टूल का इस्तेमाल ना करके मैं आप लोगों को लाइनक्स का जो हमारा सी पैनल होता है तो सी पैनल से आप कितनी आसानी से ये आपका पूरा डेटाबेस जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे शिफ्ट कैसे कर सकते हैं और विदाउट लूजिंग एनीथिंग, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। और बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई भी बड़ा ट्रिक नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है इसको करा जाता है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरा नाम है गाइज मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो गाइज, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज जो है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो ये हमारा एक डोमेन है jeethosting.com। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये एक वेबसाइट हमारी इंप्लीमेंटेड है जो कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। इसमें कोई सारी चीजें जो है बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। अब इसको मैं इसी डोमेन पे एक सब डोमेन क्रिएट करूंगा। मैंने हालांकि सब डोमेन क्रिएट कर लिया mkt.jeethosting.com। एक बार इस पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, राइट? यहां पर ये मैं जो है ये वेबसाइट जो है यहां पर शिफ्ट करूंगा और ये जो वेबसाइट है ये आप देखते हैं ये हमारी पूरी वर्ल्ड के ऊपर जो है इंप्लीमेंटेड है और इसके अंदर एक थीम डली हुई है। और ये मैं एज इट इज कॉपी करके जो है इसका पूरा बैकअप विदाउट एनी टूल का इस्तेमाल किए मैं इसको पूरा यहां से इसका बैकअप लूंगा और इस सब डोमेन के अंदर जो है मैं इसको अपलोड करूंगा। तो इसको किस तरह से करा जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने सी पैनल के अंदर। तो सी पैनल में जाके आपको जो है फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। तो जैसे आप फाइल मैनेजर में जाएंगे तो अब ये हमारा जो जीत होस्टिंग वाली ये जो फाइल पूरा जो फोल्डर है वो है आपका पब्लिक HTML के अंदर। तो पब्लिक HTML पे जाना है। तो यहां से आपको ये मेरा एक सब डोमेन है उसको मैं छोड़ देता हूं, यहां से लेके जो कि आपका वर्डप्रेस का है वहां से और ये एंड फाइल को शिफ्ट की दबाकर फिर यहां पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपको इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप इसको कंप्रेस पे क्लिक कर देंगे। तो कंप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपको किस में करना है, तो आप यहाँ पे जिप में कर लें और इसको कंप्रेस फाइल पे क्लिक कर दें। तो जैसे यहाँ पे आप कंप्रेस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और लेने के बाद जो है ये जिप फाइल रेडी करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो जिप है वो पूरा कंप्रेस हो चुका है। अब हम जो है इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद जो है यहां पर हमें जिप देखना है कि जो हमने फाइल बनाई है जिप वो कौन सी है। तो आप देखते हैं यहां पे wp-admin.zip। तो बेसिकली जो भी हम पहला फोल्डर सेलेक्ट करते हैं उसी के नाम से ये फाइल बना देता है। तो ये जो हमारे फाइल रेडी हो चुकी है इसको हमने डाउनलोड कर लेना है, राइट? तो इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये आपकी काफी बड़ी फाइल्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वर्डप्रेस है वो काफी हैवी थीम जो है काफी हैवी सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो एक बार ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है फिर जो है हमें यहाँ पे आगे बढ़ना। तो ये डाउनलोड यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है इसका जो बैकअप है जो SQL का जो बैकअप है MySQL का उसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, एक्सपोर्ट करना है। कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वाला है, तो उसके लिए जो है आपने जो भी करा होगा तो हमें जाना है यहां पर और सी पैनल के अंदर ही वापस यहाँ पे PHP माई एडमिन के अंदर आपको जाना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो इसमें मेरा ये जो जीत होस्टिंग WP752 जो है ये वाला जो यहाँ पे मेरा डेटाबेस है वो ये जीत होस्टिंग का है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके यहां से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर कुछ नहीं, आपका यहाँ पे ध्यान रखना कि आपकी फॉर्मेट जो है वो आपको SQL ही रखनी है और यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटाबेस है आप देखते हैं यहाँ पे डेटाबेस जो है हमारा वो यहाँ पे कैलकुलेट होके पूरा कंप्रेस होके जो है एसक्यूएल में यहाँ पे डाउनलोड होते जा रहा है। तो ये आपकी पूरा डेटाबेस भी यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो है जो हमारी फाइल्स हैं उसको भी हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करने का। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ से जो है एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कट करके एक यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल जीत होस्टिंग के नाम से ही यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर ये हमारी जो zip फाइल है उसको भी डाल लेते हैं और जो हमने यहाँ पे बैकअप लिया है SQL का उसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसको भी मैं उसी फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। तो बेसिकली ये दो ही चीजें हमें जो है यहाँ पे डाउनलोड करनी है। अब हम चलते हैं नए डोमेन पे शिफ्ट करने के लिए, राइट। सो नए डोमेन पे शिफ्ट करने के लिए जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे सब डोमेन हमारे पास अवेलेबल है mkt.jeethosting.com। इस पे जाके सबसे पहला जो काम हमें करना है सी पैनल पे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके क्योंकि यहाँ पे वर्ड का इंस्टॉलेशन था तो हमें क्या करना है यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करना है, राइट, ताकि हमारा एक डेटाबेस रेडी हो सके। तो हम यहां से ऐसा भी कर सकते हैं या फिर अगर ऐसा नहीं करना है आप डायरेक्टली कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट करके डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आपका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोई कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। यहां पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करके जो हमारा यहाँ पे डोमेन है तो मेरा है mkt.jeethosting, राइट, क्योंकि यही हमारा यहाँ पे mkt.jeethosting। तो ये मैंने सब डोमेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके यहां से ये WP मैं रिमूव कर देता हूं और यहां से जाकर जो है इसको सीधा का सीधा मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन जो है वो वर्ड का स्टार्ट हो चुका है, राइट, ये मेरे सब डोमेन पे हो रहा है। तो आप देखते हैं यहां पे जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देखते हैं यहां पे वर्ड प्रेस का इंस्टॉलेशन आ चुका है और वहीं पे अगर हम आपका जो PHP माई एडमिन वाला जो है जहां पे डेटाबेस है आपका इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहां पर एक नया डेटाबेस भी हमें यहां पे देखने को मिलेगा, राइट। एक बार ये रिफ्रेश हो जाए तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास जो है एक डेटाबेस भी आ चुका है 75 का। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला डेटाबेस यहां पे बना है तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, आप वापस चले यहां पे इंस्टॉलेशन पे और यहां पर जाकर एक बार वापस से हम जो है बैक कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये वापस जाते हैं और वापस जो है आपको यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करके वापस आ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपके इंस्टॉलेशन है तो हमारा mkt.jeethosting इस पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, ये जो पेंसिल बनी है इस पे एडिट पे क्लिक करना है। यहां पर आप देखते हैं आपका क्या लिखा हुआ 75 वाला jeethosting.wp75। तो 75 वाला डेटाबेस कौन सा है, ये रहा, राइट। तो अब हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस के अंदर जो है डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग वाला जो अभी बाय डिफॉल्ट जो डेटा डाला हुआ है इस पे जाएंगे आप, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको चूज फाइल करना है। तो आपको ये है यहां पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, हमने जीत होस्टिंग के नाम से लिया था, ये जो SQL वाली फाइल है इसको सेलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहां पे डाउन पे जाके यहां पे गो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे गो पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका डेटाबेस हमने जो बैकअप लिया हुआ है SQL का वो कंप्लीटली यहां पर अपलोड हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपका जो डेटाबेस है वो अपलोडिंग चालू है यहां पे, तो ये आपका कंप्लीट होने का मैसेज आ गया, तो ये आपका सक्सेसफुली इंपोर्ट फिनिश हो गया, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस आ चुका है। लेकिन अगर मैं अभी यहां पे रिफ्रेश करता हूं एक बार इसको तो यहां पर हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, राइट, यहां पे वेबसाइट पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले लेकिन हमने डेटाबेस इंपोर्ट कर दिया है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन यहां पे सेकंड काम क्या करना है, वापस जाना है। अब हमें फाइल मैनेजर के अंदर आकर हमारे जो डोमेन है तो mkt.jeethosting, तो इसके अंदर आप देखते हैं ये जो वर्ड की फाइल्स बनी हुई है इन सभी फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इनको तो आप डिलीट कर दो, राइट, इनको डिलीट करके आपको बिल्कुल आंख बंद करके डिलीट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक करके जो हमने यहाँ पे जो फाइल बैकअप लिया हुआ है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है।
तो ये हमारा अपलोडिंग जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अपलोडिंग करीब 250 MB के आसपास है, 215 MB के आसपास है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपलोड होने में। तो एक बार अपलोडिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो ये फाइनली देख सकते हैं हमारी wp-admin.zip जो हमने फाइल डाउनलोड करी थी, ये फाइल जो है हमारी अपलोड हो चुकी है। सो अब हमने वापस से पैनल पे जाना है और देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी फाइल जो है अपलोड हो चुकी है। अब इसको जो है हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा जो अनजिप है वो कंप्लीट होगा, तो ये देख सकते हैं हमारी जो पूरे फाइल जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। राइट, अब यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ जो कि mkt.jeethosting.com है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा लिंक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। राइट, लेकिन अभी ये जो चल रहा है वो कौन से डेटाबेस के साथ चल रहा है? ये पुराने डेटाबेस के साथ में चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा जो नया डेटाबेस है उसके साथ हमने इसको लिंक नहीं करा है। राइट, तो जब आप लोग करोगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि मैं सेम डोमेन पे ही सब डोमेन क्रिएट करके कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये सेम इसमें पुराना वाला डेटाबेस इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना है, वो काम क्या करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सी पैनल पे आना है। और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सी पैनल पे चलते हैं, यहाँ पे मेन जो सी पैनल है यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है MySQL डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है। तो ये आपके सारे डेटाबेस हैं, तो हमने जो देखा था दैट इज WP75 वाला है। राइट, तो ये जो 75 वाला जो डेटाबेस है इसके साथ में जो हमारा यूजर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए हमें डेटाबेस का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे 75 और यहाँ पे लिखा हुआ चेंज पासवर्ड। तो यहाँ से ये जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ, तो ये पासवर्ड हमने यहाँ पे चेंज कर लेना है, ये हमने जनरेट करना है। यहाँ से ये पासवर्ड कॉपी करना है, कॉपी करके आई हैव कॉपी द पासवर्ड इन दी सेफ प्लेस और इसको ओके करके यूज करके और इसको चेंज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे ये सक्सेसफुली आपका चेंज हो गया। अब इसके बाद आपको फाइनली काम क्या करना है, वापस हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, MKT पे चलते हैं। यहां पर आपको एक फाइल मिलेगी wp-config.php, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। और फाइनली यहां पे एडिट पे जब आप क्लिक करोगे, तो एडिट पे जैसे ही यहां पे आप क्लिक करोगे तो ऐसे में आपका जो है यहां पे देख सकते हैं ये पुराना वाला आपका जो यूज हो रहा है, तो इसकी जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड हमने कॉपी किया हुआ है, तो पासवर्ड पहले मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अलग से नोट पैड के अंदर भी इस पासवर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हमने पासवर्ड सेव कर लिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास WP75 है, जो हमारा जो डेटाबेस है दैट इज WP.75, तो वही हमने यहाँ पे 75 को पूरा डेटाबेस को हमने अपडेट कर देना है। तो ये हमने अपडेट कर दिया। राइट, और अब जाकर हमने इसको क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो है एक सेकेंड यहाँ पे हम वापस चलते हैं mkt.jeethosting पे, तो अब आप देख सकते हैं mkt.jeethosting पे गए तो ये हमारे पास जो है ऐसे ही लेआउट जो है हमारे पास सिंपल सामने आते रहेंगे। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आएगा कि कितनी आसानी से जो है आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो है आपका वर्डप्रेस की जो आपका इंस्टॉलेशन है उसको आप मूव कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी आपको लगता है कुछ भी आप कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।